जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्मरेस्ट फॉर टाटा नेक्सॉन। एक्चुअली आर्मरेस्ट बहुत ज़रूरी होता है लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो हाथ को एक रिलैक्स मिलता रहता है, वो काफ़ी एक कन्वीनियंट सा ऑप्शन हो जाता है। तो ये है हमारे पास, एक अमेजोन से ऑर्डर किया था आर्मरेस्ट, तो हम आपको आज इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे कि कैसा इंस्टॉलेशन रहता है इसका। तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स करके इसको निकाल लेते हैं बॉक्स से। ये रहा हमारा आर्मरेस्ट। काफ़ी अच्छा क्वालिटी है और आप देखेंगे कि टाटा नेक्सॉन का जो स्टिचिंग है वाइट, सेम आपका इस पर भी मिल जाएगा। और जो सिंथेटिक लेदर होता है, एक्चुअली ये लेदर नहीं होता है, तो सिंथेटिक लेदर का जो क्वालिटी है वो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। इसके साथ में आप देखेंगे कि इसमें स्क्रू आते हैं, 3 स्क्रू हैं, क्योंकि ये स्क्रू फिटिंग होना है। आपने देखा होगा कभी टाटा नेक्सॉन का जो ओरिजिनल आर्मरेस्ट होता है वो आपको 6500 अप्रोक्स आता है, और उसका फिटिंग भी आपको यहाँ से करने जाते हो तो आपको ये कट करना होता है यहाँ पे, तो उसके वजह से थोड़ा ऑड है फिटिंग करना, जो कि आप घर पे नहीं कर सकते। ये अपना जो ऑप्शन है ये DIY ऑप्शन है, आप घर पे इंस्टॉल कीजिए और आप देखेंगे इसका। पहले मैं आपको लुक थोड़ा दिखा देता हूँ, आप लुक देखने जाएंगे तो ये देखिए, ये कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये देखिए, अभी आपका जो कंसोल है उसका एक ब्यूटी निकल के आता है, और एस टू एस फिटिंग आपका मिलेगा यहाँ से, आपका मैचिंग रहेगा आपका सीट कवर से, और आपको कहीं से भी देखने में ये तो नहीं लगेगा कि ये बाहर से है, ये आपको टाटा जेन्युइन एसेसरीज़ के जैसा ही एक लुक मिल रहा है। और आपको लुक्स के अलावा काफ़ी सेफ्टी देखने को मिलेगी। ये देखिए, काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं, एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, और आपके पास स्क्रू तो साथ में आते ही है, जिसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, आपको ब्लैक स्क्रू मिल जाते हैं यहाँ पे, 3 ब्लैक कोटेड स्क्रू हैं, क्योंकि आपका पूरा ये जो व्यू रहने वाला है ये पूरा अंदर से भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक पेंटेड है। तो एक्चुअली ये आपका इधर पे आराम से सेट हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद हम स्क्रू फिट कर देंगे। देखिए, मैंने इसको क्या किया है, एक 3M का टेप मार दिया है। एक्चुअली क्या होता है, ये भी प्लास्टिक सरफेस है और ये अपना MS है, तो उसके बीच में कोई फ्रिक्शन तो रहेगा नहीं, तो कभी वो फ्रिक्शन कम करने के लिए और फिटिंग को प्रॉपर करने के लिए मैंने एक सेलो टेप मारा है। और इससे एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि हम जहाँ पे इसको माउंट करेंगे और उसके बाद स्क्रू फिट करेंगे तो वो स्क्रू फिट करने में कोई हमें इशू नहीं रहेगा, वो अपने जगह पे एक बना रहेगा। तो हम सबसे पहले इसको एक बेस्ट पोजिशन में फिट रख लेंगे और उसके बाद इसमें स्क्रू लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो आपका गियर नॉब है ये देखेंगे, तो इसको मैक्सिमम आप जितना भी ऊपर खींच सकते हैं ना हैंड ब्रेक को, उतना हैंड ब्रेक को ऊपर रखिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपने आगे सेट कर दिया और फिर कभी आपने ये इंस्टॉलेशन करने गए तो फिर आपको दिक्कत पड़ सकता है, इसलिए ये सेट करके और 3M का टेप लगा दिया, तो ये अभी थोड़ा सा चिपक के रहेगा जहाँ पर मेरे को फिटिंग करना है, तो उसके बाद ईजीली मैं इसमें स्क्रू टाइट कर पाऊँगा। एक्चुअली 3M टैप से भी इसका देखो मूवमेंट तो ईजी हो गया है, ये देखो, और ये काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे अभी मेरे खाली स्क्रू ही सेट करने हैं, तो ये मैंने S2S सेट कर लिया गियर नॉब के पास, थोड़ा सा स्पेस भी रखा है कि फ्यूचर में थोड़ा और अगर खींचना पड़ा तो उधर हमें प्रॉब्लम ना आए। और बाकी मैं स्क्रू चलिए फिट करता हूँ, मैं आपको थोड़ा स्क्रू फिटिंग करते टाइम भी बता देता हूँ। एक्चुअली दिस इज़ अ प्लास्टिक बॉडी, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको पुश करना है, और पुश करने के बाद आप इसको
स्क्रू कर देंगे। ये देखिए बहुत ही इजीली ये फिट हो गया है। दो कर दिए हैं, अभी तीन स्क्रू हैं तो तीनों को फिट कर देते हैं। चलो अभी फाइनल आपको फिटिंग में चेकआउट करा देता हूँ। एक्चुअली ये देखेंगे, ये देखिए ये फिट हो गया है। एक्चुअली थर्ड स्क्रू कहीं पे गिर गया है, बट फिर भी दो स्क्रू से फिटिंग करते हैं, एक स्क्रू बाद में लगाते हैं। तो ये इसका रहा फाइनल चेकआउट। मस्त लुक, आपको पसंद आता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप अमेजोन से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं नेक्सोन आर्मरेस्ट सर्च करके, और काफ़ी अच्छा लुक, मैं सेटिस्फाई हूँ। एक्चुअली काफ़ी अच्छा कुशनिंग हो गया है यहाँ पे, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, मैचिंग भी हो रहा है। अगर जब तक शीट कवर नहीं डलाते हैं तब तक ये मस्त मैचिंग भी आपका रहेगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ खाली, ये नेक्सोन का एक्सएम मॉडल है, तो एक्सएम मॉडल में वैसे भी ये सब नहीं रहता है, तो आप 1-to-1 सब कुछ थोड़ा सा DIY करना मेरे को बहुत पसंद है, तो इसलिए ये मैंने मंगा के और फिट किया हुआ है। चलिए थैंक यू, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर किसी को कुछ डिस्कशन भी करना है इसके ऊपर। बाकी बाय बाय।